Okay, yay! Oh my god! Hi everyone, welcome back to my channel. And if you are new, my name is Falak and I make videos regarding everything and anything. आज मैंने ऐसे ये full face of makeup किया है video के लिए. Usually आप मुझे मेरे videos में जब मैं सुबह उठी होती हूँ हाथ वो देखते हो. And आज आप ये देख रहे हो तो आप मुझे comment करके बताना ज़्यादा better आपको कौन सा लगता है. तो आज मेरा ऐसे मन कर रहा था थोड़ा सा तैयार होने का, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से मेकअप करते हैं. एनी विच वे मुझे काफी टाइम हो गया था अच्छे से मेकअप करे हुए. जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी है तब से मैंने ऐसे अच्छे से एकदम फाउंडेशन लगा के सब कुछ बस एक बार ही किया है आई गेस. हाँ, ईद पे किया था और उसके अलावा मैंने नहीं किया है. कैन यू इमेजिन, मतलब रोज जहाँ मेकअप करना पड़ता था अब वहाँ पे 3 महीने में मैंने सिर्फ एक बार ही किया है. बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ज्यादातर लोग एक जनरल कैटेगरीज के जो गिफ्ट हैं आपस में एक दूसरे को वो ही देते हैं. सो आई केम अप विद अ वेरी नाइस आइडिया जो कि यू नो इट्स नॉट चॉकलेट्स और इट्स नॉट एनीथिंग दैट्स वेरी कॉमन. मेरा मानना क्या है, गिफ्ट्स के पीछे मैं हमेशा किसी को ऐसी चीज देती हूँ जो उसके काम में आए. मतलब जब भी वो इंसान उस चीज को यूज कर रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, वो बी इट अ पेन और अ डायरी और अ बैग, तो उसको लाइक यू नो दैट थिंग विल रिमाइंड दैट पर्सन ऑफ मी कि हाँ यार फलक ने ये चीज दी थी. हो सकता है किसी और का कुछ और ओपिनियन हो. मैं मोस्टली मैं ऐसी चीजें देती हूँ जो किसी के काम आए. अभी माई फ्रेंड वंशिका, उसका बर्थडे था, उसको आई गिफ्टेड अ जर्नल. सो थोड़ा सा मैं दिमाग लगा लेती हूँ अपना सारा गिफ्ट्स के पीछे. तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है. मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाने वाली हूँ जो कि यू गाइस कैन गिफ्ट इट टू योर नियर एंड डियर वंस और यू कैन इवन बाय इट फॉर योरसेल्फ एंड आई एम श्योर आपको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी. अभी तक मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स को या तो कोई ऐसी चीज देती थी जो उनके काम में आए, अदरवाइज सीधे मैं उनको कपड़े देती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार यू नो वो जब भी वो कपड़े पहनेंगे तो उनको ये याद आएगा हाँ ये फलक ने दिया था और ये कितना अच्छा है. जो चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इट्स इवन बेटर देन दोज थिंग्स एंड आई कैन नॉट वेट. मतलब मेरे ऐसे स्माइल से देखो हाउ एक्साइटेड आई एम. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ हिंट अबाउट द थिंग. सो ये चीज सबके घर में होती है एंड हम लोग अभी तक उसका काफी जो पुराना वाला स्टाइल है ना वो यूज कर रहे हैं एंड मार्केट में एक नया स्टाइल आया है. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस या फिर मैं अपनी हिंट सही से दे भी पा रही हूँ या नहीं. अगर आपने गेस कर लिया था तो आई एम प्राउड ऑफ यू और अगर नहीं भी किया था तो कोई बात नहीं. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डाइनिंग टेबल कवर जो कि एक ये प्लास्टिक मटेरियल में आता है एंड यूजुअली मोस्टली हमारे सबके घर में एक जैसा ही होता है एंड इसके साथ चेयर का कभी कोई कवर नहीं आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि चेयर जो है वो डाइनिंग टेबल से अलग दिखने लगती है. मैं बात कर रही थी वो मेरे हाथ में है एंड ये काफी टाइम हो गया आए हुए एंड आई वाज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो ऑन इट. और भाई देखना तब से मैंने ये खोला भी नहीं है, समझ रहे हो. मतलब पार्सल आता है एंड सबको एक अंदर से वो खुजली होती है ना, क्या है देखना है सेम होती है मुझे भी. बट आई वाज जस्ट सेविंग इट कि जिससे मैं वीडियो में अच्छे से आपको खोल के दिखाऊं. ओके, ये ओ माय गॉड, बच्चों की तरह खुशी होती है ना जब कुछ भी ऐसे पार्सल खोलते हैं. तो भाई मैं तो एकदम बच्चों की तरह ही खुश होती हूँ. द बेस्ट पार्ट इज पता क्या है, इसको लगाना इतना इजी है. आई जस्ट शो यू हाउ इजी इट इज एंड इट्स अ वन पर्सन जॉब. टेबल कवर यू आर गोइंग टू गेट द चेयर कवर्स टू. चेयर कवर्स को चढ़ाना भी इतना इजी है जितना टेबल कवर को चढ़ाना था. और पता है जबकि दिस डाइनिंग टेबल इज वेरी ओल्ड एंड अभी ना हम लोग बात कर रहे थे कि डाइनिंग टेबल बदल लेते हैं बट व्हेन आई केम अक्रॉस दीज कवर्स तो मम्मी ने बोला क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना बिकॉज इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली न्यू राइट. एकदम डिजाइन चेंज करते हो, पता है ऐसा होता है आप फर्नीचर चेंज करते हो ना तो रूम की वाइब और ऑरा भी अलग हो जाता है. इवन अगर जैसे आपने सोफा कहीं और रखा है आपका और डाइनिंग टेबल कहीं और रखी है एंड आपने उसी को आपस में शिफ्ट कर दिया ना तो भी थोड़ा सा ऐसे अलग सा लगता है एंड थोड़ी वाइब चेंज हो जाती है रूम की. दिस इज हाउ आई फील, लेट मी नो अगर आपको भी ऐसा लगता है अगर अपना फर्नीचर चेंज करने के बाद. मैच नहीं होती
डाइनिंग टेबल से, बिकॉज हम लोग अभी तक सिर्फ डाइनिंग टेबल का कवर ही यूज कर रहे थे, बट नाउ वी हैव गॉट कवर्स फॉर चेयर्स टू. इट्स लाइक गिविंग अ मेकओवर टू द डाइनिंग टेबल. हम लोग अपने आप को तो कितना मेकओवर देते हैं, राइट, बट कभी कभी डाइनिंग टेबल को भी देना चाहिए. एंड आई एम श्योर अभी इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, राइट, स्पेशली दिवाली पे क्या होता है, हम जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं मोस्टली ऐसा होता है वो डिब्बा दो तीन लोगों के घूमने के पास हमारे पास आ जाता है. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप ये किसी को गिफ्ट दोगे ना, ये आपके पास कभी नहीं आएगा. वो आप जब उनके घर जाओगे ना नेक्स्ट टाइम, ये आपको उनकी डाइनिंग टेबल पे ही मिलेगा, बिकॉज इट्स दैट गुड. ट्रस्ट मी, द क्वालिटी, कपड़ा इतना अच्छा है कि सिलवट नहीं आएगी बिल्कुल भी, एंड इट्स स्ट्रेचेबल. सो दिवाली से पहले तो रक्षाबंधन आ रहा है, सो आप ये उसके लिए भी परचेज कर सकते हैं एंड गिफ्ट दे सकते हैं. ये एक जो हम लोग मेन स्ट्रीम जो गिफ्ट्स देते थे, चॉकलेट्स, ज्वेलरी एंड कपड़ों से बहुत अलग है, बहुत यूनिक है एंड बहुत अच्छा भी है. अलग होने के साथ साथ अच्छा भी है, ये मैटर करता है, राइट. इफ यू गाइज वॉन्ट टू बाय दिस, द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड जो की आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. तो वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां से लिंक पे चेक कर सकते हो. इसके और भी बहुत सारे डिजाइन है, ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था इसीलिए मैंने मंगवाया था. आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आप वो मंगवा सकते हो. इसके बहुत सारे डिजाइन है ऑन द वेबसाइट, सो यू प्लीज चेक द, प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द वेबसाइट, एंड इफ यू ऑर्डर इट डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड. थैंक यू सो मच. आई होप आपकी भी डाइनिंग टेबल का मेकओवर जल्दी हो जाए. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वीडियो. डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू एवरीथिंग दैट लिव्स. बाय.